हाय एवरीवन, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं दी नॉलेज एक्सप्रेस। आज फिर से हम एक नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। वैसे तो जब भी अजूबा शब्द हमारे मुख पर आता है तो हमारे बिग्बी की चेहरा हमारे मन में आने लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम जिस 7 अजूबों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही प्राचीन काल से हमारी दुनिया में मौजूद है। लेकिन और मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के यह 7 अजूबे किस तरह चुना गया और माना गया। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में घंटी का निशान है जिसे दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों के नाम के बारे में। जो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, दुनिया का 7 अजूबों में शामिल सबसे पहला नाम है चीन की दीवार, दूसरे नंबर पे है ताजमहल, तीसरे नंबर पे है पेट्रा, चौथे नंबर पे है क्राइस्ट रिडीमर और पांचवें नंबर पे है माचू पिच्चू, छठे नंबर पर कोलोजियम और सातवें नंबर पर चिचेन इत्जा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दुनिया के 7 अजूबे कैसे चुने गए थे। तो दोस्तों, दुनिया के नए 7 अजूबों का लाने का विचार 1999 में आया था। इस तरह नए अजूबों को चुनने की एक पहल शुरू की गई थी। यह पहल स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसके लिए वायकदा एक फाउंडेशन बनाया गया था। इस फाउंडेशन ने एक साइट बनवाई थी जिसमें सबसे पहले विश्व की करीब 200 धरोहर की एक सूची बनाई गई। फिर एक पोल शुरू किया गया। यह पोल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया था। इस पोल में करीब 100 मिलियन लोगों ने नेट और फोन के जरिए वोट किया था। यह वोटिंग काफ़ी समय तक चली और साल 2007 में इसका रिजल्ट आया। अब हम सबसे सामने दुनिया के नए 7 अजूबे थे जिन्हें विश्व के लोगों ने वोटिंग के जरिए चुना था। तो दोस्तों, आइए हम 7 अजूबों के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आपको 7 अजूबों के नाम तथा स्क्रीन पर दिए गए इमेज सहित दिखाए जाएंगे। पहले नंबर पर है चीन की दीवार। उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए अलग अलग राज्य के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसके बाद इसे धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करें तो 35 फीट है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि का उपयोग किया गया था। माना जाता है कि इस दीवार के निर्माण में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। अगला है ताजमहल। ताजमहल को कौन नहीं जानता। ताजमहल तो इंडिया के बेमिसाल पर्यटक स्थल में से एक है। भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। खूबसूरत कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसके बनने में करीबन 20 साल का समय लग गया था। इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते रहते हैं। अगले नंबर पे हैं पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा जॉर्डन के मान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारत देखने को मिल जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। वहीं आज की समय की बात करें तो आज ये शहर मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। नेक्स्ट है क्राइस्ट रिडीमर। क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो दुनिया के सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति तिजुस्का फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है।
मैं आपको बता देता हूं कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट बनती है। वही इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। मजबूत कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन से बनी यह मूर्ति का डिजाइन ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोस्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। नेक्स्ट है माचू पिच्चू। दुनिया के अजूबों में शामिल माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जहां कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता रहा करती थी। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर लोग कैसे रहा करते हैं। यह स्थल कुजको से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के स्थित में है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पचा कुती ने करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई है। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट है कोलोजियम। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। वहीं लास्ट नंबर पे है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको का प्राचीन और विश्व मंदिर मायन मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है और इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई है। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इस तरह कुल मिलाकर इसमें 365 सीढ़ियां हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। चिचेन इट्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। तो दोस्तों आपने 7 अजूबों के बारे में जाना। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।